SRKP गवर्नमेंट PG कॉलेज किशनगढ़ से मैं डॉक्टर कमलेश विद्वानी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के BCOM पार्ट थर्ड ईयर के पेपर के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के पार्ट वन को ले रही हूँ। बच्चों से पहले हमने सैलरी हेड पढ़ा, इनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी हम देखेंगे आगे। हाउस प्रॉपर्टी जो है, आपको जैसे मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था कि हम लोग इनकम को जो है हेड्स में डिवाइड करके उसकी स्टडी करते हैं। जैसे अलग अलग घर होते हैं, उन घरों में जाकर उसकी स्टडी होगी। तो पहला घर हमारा था सैलरी हेड का, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी का, और उसके बाद में बिजनेस हेड देखेंगे और कैपिटल गेन देखेंगे और अदर सोर्सेज। पाँच हेड्स में हम स्टडी करते हैं। करीब 15 साल पहले हम लोग जो है 6 हेड्स में स्टडी करते थे, लेकिन अब इसको हमने जो है 5 हेड्स में डिवाइड कर लिया है। तो पहला हेड हमने देखा सैलरी हेड का, इसके बाद हम देख रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जैसे मैंने आपको बताया कि इनको हम घर के, मैंने इनका लिए वर्ड यूज़ किया घर। तो घर इसलिए यूज़ किया कि जैसे एक घर के अंदर जो है उसी के परिवार के सदस्य रह सकते हैं। सैलरी हेड में आपने देखा कि उसके कुछ नियम और शर्तें थे, अगर वो शर्तें पूरी होती हैं तभी उस घर में वो एंटर हो सकता है। वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, तो वो इनकम्स वहाँ पर जाती हैं। और इसी तरह से जो है किसी इनकम अर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी एक्ट के भी कुछ नियम और शर्तें हैं, तो इस घर में इनकम को एंटर होने के लिए उन नियमों और उनका पालन करना होगा, तभी उसको इसमें लिया जाएगा। तो बच्चों ये क्या है, ये रूल्स ये हैं कि भाई आप हाउस प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है कि केवल मकान लेंगे आप, दुकान है, घर है, बिल्डिंग है, उसके साथ में कोई लैंड अटैच है तो उसको भी जो है इसके अंतर्गत डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता कि ये कॉमर्शियल है रेसिडेंशियल है। इनकम टैक्स वालों को उसके लिए बस उसमें टैक्स चाहिए, तो उन्होंने इसको अलग अलग नहीं किया है। एक ऑनर, उसका जो लीगल ऑनर होता है उसी पर टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि आप कोई भी किसी को दे दिया आपने, तो जब जहाँ बैठा है मालिक उसका, उसी पर जो है उस पर टैक्स लगाया जाएगा। तो अंडर द, अगर मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी जो है वो उसकी बिजनेस में यूज़ कर रहा है, तो फिर उसकी जो इनकम है वो उसका बिजनेस एड में जाएगी ना, लेकिन मकान जो है माना जाएगा। एक्सपेंसेस उस पर रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए जो है उसके बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह माने जाएंगे। और पर्सनल यूज से हो रहा है तो जैसे मैं एक एम्प्लॉयर के प्यास में काम कर रही हूँ, एम्प्लॉय हूँ मैं, तो मेरे पास में अगर मकान है तो मैं उसको हाउस प्रॉपर्टी हेड में दिखाऊंगी, तो जिसका पर्सनल हाउसेज है। टर्म्स जो है इसकी कुछ हम जिसमें जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहला वर्ड इसमें जो आएगा प्रैक्टिकल पोर्शन की ओर बढ़ने से पहले हम कुछ इसके वर्ड्स क्लियर कर रहे हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो रेंट प्रॉपर्टी जो है कैसे आएगी, उसका जो है कैसे हम उसको वसूल करते हैं, तो उसको हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू वर्ड दे दिया है कि ये जो है कितना रेंट उस पर प्रॉपर्टी पर आएगा वो उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। GAV, इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ वर्ड्स और भी हमें देखने होंगे। फेयर रेंट, फेयर रेंट का मतलब है कि उसी सिमिलर प्रॉपर्टी का कहीं पर अगर ये नहीं हो तो उसका दूसरी जगह किराया कितना होगा, तो क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है कि ये उचित किराया इसका ये माना जाएगा, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, अगर आपने जो है म्यूनिसिपलिटी जो है उसका वैल्यूएशन करती है उस इलाके में कि भाई लोकल अथॉरिटीज़ जो वहाँ की नगर निगम है, नगर परिषद है, वो इसका वैल्यूएशन करती है कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, तो उसका वो मार्केट वैल्यू म्यूनिसिपल वैल्यूएशन उसका वो कहलाएगा। इसी तरह से स्टैंडर्ड रेंट होता है बच्चों। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है कि रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, उसके अंतर्गत जो है क्योंकि ऐसे कोई मनमानी करके बहुत ज़्यादा रेंट लेता है, तो स्टैंडर्ड कंट्रोल रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत स्टैंडर्ड रेंट भी डिसाइड किया जाता है कि इस लोकेलिटी में इतना किराया होना चाहिए, जितना पोश एरिया होगा उसके हिसाब से उसका जो है किराया जो है डिसाइड किया जाता है। तो रेंट कंट्रोल एक्ट में जो स्टैंडर्ड रेंट होगा, प्रमाणित किराया, वो भी आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है। एक्सपेक्टेड रेंट, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो उस प्रॉपर्टी का होगा, जो कि हर साल जितने पर वो दी जा सकती है, तो वो भी जो होगा। और ये कैसे निकाला जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, इट इज़ डिराइव्ड एज हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन एंड फेयर रेंट बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट दोनों में से जो ज़्यादा है वो ले लेंगे, लेकिन उसको रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे स्टैंडर्ड रेंट से। कैसे करेंगे, जैसे आप मान लीजिए फेयर रेंट आप कह रहे हैं कि भाई हमारा जो है किराया लगता है साल का 12,000 रुपये, ये फेयर रेंट हो गया। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन आपने देखा तो वो है 15,000, तो हम रेस्ट्रिक्टेड करने के लिए इन दोनों में से जो विच इज़ द डिराइव्ड एज हायर, इनमें से जो हायर है 15,000 उसको ले लेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि भाई म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कहीं ज़्यादा है, तो स्टैंडर्ड रेंट भी देख लीजिए। मान लीजिए स्टैंडर्ड रेंट आपका 14,000 ही आता है, तो फिर आपको 14,000 लेना होगा। यानी 11, 12 और 15 में से आप 15 नहीं लेने हैं उसको, अगर आपने स्टैंडर्ड रेंट 14,000 है तो उसको 14,000 को ही लिया जाएगा। अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब ये होता है कि जो किराया जो है ऑनर को वसूल नहीं हुआ है तो वो कहलाता है उसका कैन नॉट बी रियलाइज्ड, जो नहीं वसूल हुआ उसको कर जाएगा अनरियलाइज्ड रेंट, उसे उसकी छूट मिलेगी। आगे आप देखेंगे इसमें लॉस ड्यू टू वैकेंसी, अगर मान लीजिए इसको जो है वैकेंसी, मकान उसका खाली रह गया,
तो उसको किराए पे नहीं दे पाए तो उसकी भी उसको जो है छूट मानी जाती है, कुछ काल्पनिक मानते हैं उसको छूट उसकी दी जाती है, तो उसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो उसमें से उसको छूट की तरह माइनस कर दिया जाएगा। देखो बच्चों, जितनी इनकम ज़्यादा होगी उतना टैक्स ज़्यादा लगेगा, तो हमें किसके फेवर में काम करना है, करदाता के, और उसको टैक्स को बचाते हुए काम करना है रूल्स के अकॉर्डिंग। तो अगर वैकेंसी अलाउंस मिल सकता है उसे, अनरलाइज रेंट का मिलता है तो उसको आप देंगे उसमें। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इफ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड बाय द ओनर फ्रॉम द टीनेंट्स, अगर जो है उसको एक्चुअल रेंट जो है टीनेंट से मिलता है, किराएदार को जो किराया मिलता है, तो वो ये एक्चुअल किराया जो उसे मिलता है वो ये कहलाएगा कि उसे कितना किराया उसके लिए मिल रहा है। इसके टाइप्स हम देख रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, लेट आउट प्रॉपर्टी होती है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वो होगी जो कि उसकी ऑन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है ना, जिसको कि इसको खुद ने उसने बनाया, वैकेंट हाउस प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स पर्पज। अब इसमें हमारे रूल्स थे 19-20 से पहले क्या रूल थे कि एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को, तो मान लीजिए किसी पास में खुद के रहने के चार मकान हैं, तो एक मकान को तो उसका जो है खुद का मकान मान लिया जाएगा, एज्यूम किया जाएगा कि उसका एक ही रहने का मकान है, क्योंकि ये इस पर टैक्स नहीं लगेगा एक रहने के मकान पे, और बाकी को क्या माना जाएगा उसका एज ट्रीटेड एज लेट आउट, उनको किराए का मकान मानते हुए उसको जो है वैल्यूएशन किया जाएगा। लेकिन अब 19-20 से लेकर के और आगे ये रूल बना दिया गया, भाई एक मकान की जगह दो मकान में वो क्लेम कर सकता है कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और उसके बाद जो मकान होंगे उनको जो है किराए का मकान माना जाएगा। तो ये इसकी कहता कि इतने बात है तो इसको हमें ध्यान रखना होगा। इसी तरह से जो लेट आउट प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब है जो कि किराए पर आपने दिया, उसका साल भर आपने किराए पे दिया, हो सकता है कि आपने पूरे साल नहीं दे पाया, तो जितने महीने के किराए का है वो किराए का मकान कहलाएगा और रेंटेड प्रॉपर्टी कहलाएगी लेट आउट हाउस। और अगर आपने उसको जो है साल के कुछ ही पार्ट में दिया है ना, या उसका मकान का कुछ पार्ट हिस्से में दिया है, तो वो उसको जो है रेंटेड प्रॉपर्टी माना जाएगा। तीसरे नंबर पर प्रॉपर्टी आती है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। इनहेरिटेड का मतलब जो कि आपको पेरेंट्स से मिली है, ग्रैंड पेरेंट्स से मिली है, तो उसको भी सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट माना सकता है, क्योंकि रूल अपना ही है कि एक मकान पहले था, अब दो मकान जो है उसके रेंटेड सेल्फ ऑक्यूपाइड माने जाएंगे। तो चाहे आपको पेरेंट्स से मिला है, ग्रैंड पेरेंट्स मिला है, तो भी उनमें आप मकानों की गिनती करेंगे कि दो मकान जो है वो आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड होंगे, उसके बाद में बाकी मकानों को एज ए रेंटेड ट्रीट करते हुए उन पर, अगर आपका एक्चुअल रेंट है तो उससे देखा जाएगा, और नहीं तो एस्टिमेटेड वैल्यूएशन करके उसका जो है कैलकुलेशन किया जाएगा। इसलिए आपको हमने कुछ वर्ड सिखाए थे इससे पहले जो हमने टर्म्स देखे कि एस्टिमेटेड वैल्यूएशन भी किया जाता है। धन्यवाद।